नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे दिल्ली स्पेशल की। तो पंजाब के वकीलों, आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को सीएम केजरीवाल ने कई गारंटी दी है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के वकीलों को फ्री इंश्योरेंस देने का वादा किया है और वहीं उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के वेतन को दुगना करने का भरोसा भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। मिशन पंजाब पर सीएम केजरीवाल, वकीलों को इंश्योरेंस की दी गारंटी। आंगनवाड़ी आशा वर्करों का वेतन बढ़ाने का ऐलान। मिशन पंजाब पर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने पंजाब के वकीलों से बड़ा दावा किया है। अमृतसर में पहुंचे सीएम केजरीवाल ने पहले पंजाब के वकीलों को संबोधित किया, फिर आंगनवाड़ी और आशा वर्करों से बात की। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के वकीलों को दिल्ली जैसी सुविधाएं देने की गारंटी दी है। उन्होंने यहां के वकीलों को फ्री इंश्योरेंस देने की गारंटी दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम वकीलों के चैंबर बनवाएंगे, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस और स्टाइपेंड देंगे, इसके अलावा हाई कोर्ट की बेंच भी बनवाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पंजाब के 80-85 हजार वकीलों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है और उनके परिवार के लोगों का। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। और ये कोई ना कोई कुदरत का खेल था। 2 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ये स्कीम पास हुई, सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो गया, और कुछ किस्मत का खेल था कि फरवरी में कोरोना आ गया। दिसंबर तक नहीं पता था कि कोरोना आएगा, फरवरी में कोरोना आ गया। इस कोरोना के दौरान लगभग 130 वकीलों की मौत हो गई कोरोना से। बड़ा दुख की बात है, लेकिन उस स्कीम की वजह से हर परिवार को 10-10 लाख रुपए मिल गए जिनको हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया था। अच्छा, एक लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना देंगे। एक हाईकोर्ट की बेंच बनानी है, बना देंगे। आपकी लाइफ इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। स्टाइपेंड देना है, दे दे। ये सब मैं कह सकता था, कह दिया। वहीं अमृतसर में सीएम केजरीवाल ने आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को संबोधित किया। यहां उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को दिल्ली की तर्ज पर वेतन बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और पंजाब की हर महिलाओं को हजार रुपए देने की बात को दोहराया। पर जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े थे, वहां भी मैंने ऐसे ही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला के मीटिंग करी थी, उनकी सारी डिमांड समझी थी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहले आशा वर्कर्स को वहाँ पे 1,500 रुपये फिक्स मंथली मिलता था और इंसेंटिव मिलते थे। हमने सब कुछ डबल कर दिया, फिक्स वाले भी डबल कर दिए, इंसेंटिव भी सारे डबल कर दिए। आज 3,000 रुपये फिक्स मिलते हैं और इंसेंटिव मिलते हैं, और नेट नेट लगभग हर आशा वर्कर 8,000 से 12,000 रुपये हर महीने अपने घर लेके जाती है। बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर सीएम केजरीवाल चुनावी राज्यों में सक्रिय हैं। उन्होंने पंजाब में सरकार बनाने का वादा किया है। पंजाब के हर वर्ग को साधते हुए सीएम केजरीवाल चुनावी रणनीति में धार दे रहे हैं। उन्होंने पंजाब वासियों को दिल्ली मॉडल पर पंजाब के विकास का सपना दिखाया। अब ऐसे में देखना होगा कि पंजाब की जनता केजरीवाल के वादों पर कितना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।